ब्रे वाइट और टेरी फंक को 10 बेल सल्यूट दिया जाता है। स्मैकडाउन की शुरुआत में एरिक रोवन और स्ट्रोमन भी प्रेजेंट थे और रो भी, फीबी, ट्रिपल एच सब प्रेजेंट थे, कोडी रोड सब के सब थे। और उसके बाद आती है ब्रे वाइट की बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली ट्रिब्यूट वीडियो, जिसमें सब कुछ दिखाया जाता है, फ्रॉम FCW डेज टू वाइट फैमिली टू फन हाउस टू फीन टू पर्सनल लाइफ, सब कुछ दिखाया जाता है। और अंकल हाउडी दिखाई जाती है, लास्ट ईयर का रिटर्न दिखाया जाता है, हिमसेल्फ लूक हार्पर के साथ फोटोज, पर्सनल लाइफ, प्लस उसके बाद आती है बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली मोमेंट, जिसमें ब्रे वाइट नारिथेन को बुझा देती है। और फिर उसके बाद वो चेयर दिखाई जाती है, जिस एम टी चेयर, रे मिस्टीरियो और बेनी भी ब्रे वाइट और टेरी फंक का पैंट पहन के अपना ट्रिब्यूट देते हैं, कोडी रोड्स ट्रिब्यूट देने आते हैं, ब्रे वाइट का भी नाम ले देते हैं, वो शुरुआत में ट्रिब्यूट देते हैं कि पायनियर थे, और उसके बाद वो टेरी फंक का अपना प्रोमो चालू करते हैं, जो कि उसमें अपनी बताते हैं टेरी फंक के साथ उनका एक्सपीरियंस बचपन में कैसा रहा। उसके बाद ब्रे वाइट दोबारा से नजर आते हैं फन हाउस और बीच बीच में उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतना सब फर्स्ट टाइम। एली नाइट बताते हैं कि ब्रे वाइट ने उन्हें सब कुछ चीज़ों के लिए तैयार किया था और वो फीन कर सकते हैं आज ब्रे वाइट की स्पिरिट इन फायरफ्लाइज फॉर द लास्ट टाइम लालटेन इन द रिंग विद स्पिरिट ऑफ ब्रे वाइट टू एंड द शो।